आज हम करेंगे फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस स्टार डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, एक रीजन कंसिडर करते हैं एक्स वाई प्लेन का। हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज है, उसकी पोजीशन है आर नॉट वेक्टर, और ये चार्ज है हमारा क्यू। और फिर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हम इसकी लेंथ नहीं पता है, इनफाइनाइट कोई भी एक्स वाई जेड इसकी लेंथ है, आर्बिट्रेरी है हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं लैम्डा बी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब हम पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जो भी हमारे पास बॉडी के ऊपर गिवन चार्ज है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द बॉडी। तो हम यहाँ इसके ऊपर क्या कंसिडर करें, स्मॉल सेक्शन कंसिडर करें जिसका लेंथ हमने क्या कंसिडर कर दिया डी एल, और हमने कहा कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है डी क्यू। तो अगर हम चार्ज की स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें तो चार्ज कितना आ जाएगा मेरा लैम्डा इंटू डी एल, और मैं इस आर्बिट्रेरी एलिमेंट का पोजीशन जो है ओरिजन से मैं इसकी पोजीशन मान लेती हूँ आर वेक्टर, ठीक है। अब इस डी क्यू की वजह से क्यू नॉट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अब ये स्मॉल चार्ज है तो फोर्स भी स्मॉल होगा, ठीक है। स्मॉल फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू डी क्यू, वो जो फोर्स होगा वो कितना होगा डी एफ, ठीक है। और हम यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी मान रहे हैं, मान लो कि क्यू नॉट के ऊपर है और किसी आर्बिट्रेरी चार्ज की वजह से, तो हमने आई लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आई एफ चार्ज हो गया हमारे पास, तो ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास के, जो भी जिस भी चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं क्यू नॉट, जिसकी चार्ज वजह से निकाल रहे हैं डी क्यू, एंड डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर। इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो कहाँ से शुरू है, वो शुरू है हमारा आई से और कहाँ की तरफ जा रहा है क्यू नॉट की, ठीक है। उसका स्क्वायर इनटू में आर आई जीरो यूनिट वेक्टर, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन है ऐसे है, क्यू नॉट के ऊपर लग रहा है, इधर से फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो ये तो स्मॉल फोर्स था। अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है इस टोटल वायर की वजह से, टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू वायर, इस पूरी वायर की वजह से फोर्स निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ओवर द लेंथ, ठीक है। इंटीग्रेशन किसके ऊपर होगा, हमारा लेंथ के ऊपर होगा, इसकी जो भी लेंथ है, तो इसका अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर लेंथ, इसका होगा के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन में आर आई नॉट स्क्वायर आर आई नॉट यूनिट वेक्टर। डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, डी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी लैम्डा एल है, तो ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर लेंथ के क्यू लैम्डा डी एल अपॉन में आर आई नॉट स्क्वायर आर आई नॉट यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स निकाल सकते हैं। डिस्क्रीट का तो आसान है, डिस्क्रीट का निकालना क्या होगा क्या होगी लेकिन पता निकाल दो, लेकिन कॉन्टीन्यूस का थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए इसको फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम सेकेंड पॉइंट करते हैं, मान लो कि मेरे पास कोई सरफेस है और मैंने क्या कंसिडर किया सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे क्या है मेरे पास चार्ज क्यू नॉट, उसकी जो पोजीशन है रीजन से वो है आर नॉट वेक्टर, और यहाँ पे मैंने कोई सरफेस कंसिडर कर दिया और उसके ऊपर मैंने कहा कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब देखो
इस सरफेस की हम कह सकते हैं कुछ भी लेंथ हो सकती है, इनफाइनाइट लेंथ कुछ भी, लेकिन मैंने ये जो सेक्शन कंसीडर किया इसका जो सरफेस एरिया है डी एस है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास डी क्यूब चार्ज। सरफेस एरिया डी एस और चार्ज कितना है हमारे पास डी क्यूब। तो इस सरफेस का अगर मुझे चार्ज निकालना है, ठीक है, मैंने कोई सेक्शन कंसिडर किया किसी सरफेस का, तो वो कितना होगा हमारा सिग्मा इंटू डी एस। अब इसकी जो पोजिशन है हमने मान ली कितनी है हमारे पास आर आई इसकी पोजिशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोर्स निकालना चाहते हैं, स्मॉल फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू टी क्यू, तो वो स्मॉल फोर्स कितना होगा डी एफ आई नॉट इंटू आई, ठीक है। इसका मतलब क्यू नॉट के ऊपर किसकी वजह से, किसी भी आर्बिट्रेरी चार्ज की वजह से हमारे पर फोर्स लग रहा है। और अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू कंप्लीट सरफेस, कोई भी गिवन सरफेस, मान लो हमने क्या कंसीडर किया था, ये सरफेस है, मान लो कि ये एक सेक्शन है, हमने यहाँ पे मान लिया इस सरफेस का एक सेक्शन कंसीडर किया था डी एस, ठीक है। ये मेरे पास कोई भी सरफेस है, इसका एक छोटा सेक्शन कंसीडर किया था। अब इसका पूरे सेक्शन के लिए अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है, तो टोटल फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो भी फोर्स है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ओवर सरफेस। तो अगर हम टोटल फोर्स निकाल लेंगे तो वो कितना होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर सरफेस के, जो भी हमारे पास चार्ज गिवन है इनिशियल चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, दूसरा चार्ज आएगा हमारा डी क्यू जो फोर्स लगा रहा है, दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर आई नॉट स्क्वायर आर आई नॉट यूनिट वेक्टर। डी क्यू की वैल्यू हम करेंगे तो ये कितना आएगा इंटीग्रेशन ओवर सरफेस के क्यू नॉट सिग्मा इंटू डी एस आर आई स्क्वायर इंटू में आर आई नॉट यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे सरफेस लिया सिग्मा लिया, आप यहाँ रो लेके वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेके कंप्लीट फोर्स निकाल सकते हो। तो हमारे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हमें क्या करना पड़ता है, एक छोटे सेक्शन का निकालना पड़ता है फोर्स, फिर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर लीनियर है तो लेंथ के ऊपर, सरफेस है तो सरफेस एरिया के ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे, और अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वॉल्यूम के ऊपर हम इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना भी किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो कूलम्ब्स फोर्स की वैल्यू कितनी थी हमारी, के क्यू नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर यूनिट वेक्टर। अगर हम इसको क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि फील्ड और फोर्स में डिफरेंस क्या है। मान लो कि ये मेरे पास कोई चार्ज है क्यू, इसको मैं क्या कहूँगी, सोर्स चार्ज कहूँगी, ठीक है। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो अपने आसपास एक रीजन प्रोड्यूस करता है, जो क्या कर सकता है, इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और ये हमारे पास है कोई क्यू नॉट चार्ज, जिसको हम क्या कह सकते हैं, टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो चार्ज है हमारा क्यू, कैपिटल क्यू, इसके ऊपर कितना इम्पैक्ट लगा सकता है उसे ही हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। यानी कि सोर्स चार्ज की जो फोर्स है, फोर्स को अप्लाई करने की पावर कितनी है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो जब हम इस चार्ज को इसके पास लेके आएंगे तो इसने अपना एक रीजन बना रखा होगा कि चारों तरफ जहाँ तक इसका फोर्स अप्लाई हो सकता है, तो इस चार्ज को, इस यूनिट चार्ज, इस चार्ज को, इस चार्ज के जो भी अमाउंट है, इसके यूनिट अमाउंट को कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्स हमें पता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कितना होगा हमारा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है, मान लो कि दोनों बीच का डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा और आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू में आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और चार्ज की कितनी होती है कूलम्ब, इसकी यूनिट करेंगे न्यूटन पर कूलम्ब, जो कि इसकी एसआई यूनिट।
इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, फोर्स का कितना होता है m1 l1 t माइनस 2 और चार्ज का कितना होता है at। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे टेस्ट चार्ज कौन सा होता है जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इससे इंडिपेंडेंट होता है टेस्ट चार्ज से। टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जो सोर्स चार्ज था वही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। यानी सोर्स चार्ज का जो नेचर है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में टोटल बताएगा। टेस्ट चार्ज यानी इसके पास हम कोई भी चार्ज लेके आ रहे हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट होता है। सेकेंड पॉइंट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, अब देखो आपको पता है फोर्स है, फोर्स के फॉर्मूला भी कैसे वेरी कर रहा था हमारा 1/r2। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे वेरी करता है 1/r2। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को हम स्पेस कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन स्पेस कोऑर्डिनेट्स, स्पेस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आर वेक्टर। तीसरा है कि अगर आपका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उस चार्ज से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अंदर से बाहर की तरफ होती है। तो आप कह सकते हो फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बी डायरेक्टेड directly outward from source charge, source charge से बाहर की तरफ आती है। directly का मतलब होता है आपका 3D के अंदर angle lines। ठीक है, इस तरह से देखेंगे हर जगह ये लाइन परपेंडिकुलर है सरफेस के ऊपर, और directly चारों तरफ से इस तरह से आ रही है, 3D के अंदर बाहर की तरफ से आ रही है। ठीक है, अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, फॉर नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी रेडली इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है, इनकी जो एरो की डायरेक्शन होगी वो आपकी इस तरह से होगी। ठीक है, नेगेटिव फील्ड के लिए अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की और फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दोनों अपोजिट होती है, और अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी, हमारी सेम होगी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास फिफ्थ, अगर आर की वैल्यू डिफरेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होंगी, हमारी डिफरेंट होंगे। जैसे कि मान लो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि ये जो ए है, ये जो भी हमारे पास है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज हमने कंसिडर कर दिया, अब ये कोई ए पॉइंट है, इसमें अब ये जो है इसके चारों तरफ हम एक स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिया आगे, ये एक और अनदर पॉइंट है हमारे पास बी, ये इसका रीजन हो गया, और हमने कहा कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आर टी है। तो जो ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज सेम है दोनों के लिए, ए पॉइंट के लिए भी बी पॉइंट के लिए भी,
लेकिन डिस्टेंस अलग होने की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल की वैल्यू अलग होगी और इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल की वैल्यू अलग होगी। दूसरा आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिप्रोकल है डिस्टेंस के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्या होगा ज़्यादा और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्या होगा हमारा कम। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। अगर इसी स्फीयर के ऊपर मैं कोई और पॉइंट ले, जैसे मैंने पॉइंट लिया सी, अगर आर की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट चार्ज, अगर सोर्स चार्ज क्या है पॉइंट है, तो जो नेचर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा होगा हमारा स्फेरिकल सिमेट्री, उसकी जो सिमेट्री होगी वो स्फेरिकल होगी। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अगर हमारा चार्ज कैसा होगा लाइन चार्ज होगा, तो जो नेचर होगा वो कैसा होगा सिलेंड्रिकल, क्योंकि इस गिवन रेडियस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इस रेडियस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रेडियस के ऊपर, तो यहाँ चारों तरफ देखें हम तो एक सिलेंडर सिलेंड्रिकल रीजन बन रहा है। तो हमारे लाइन चार्ज के लिए नेचर कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सिलेंड्रिकल होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके जो इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड।